लामू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पाकी थाना क्षेत्र से माओवादी नक्सली संगठन के एरिया सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी नक्सली नंद किशोर यादव उर्फ ननकुरिया को गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में इलाज कराने के दौरान नक्सली नंद किशोर यादव को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि नक्सली नंद किशोर के पेट में गोली लगी है। प्लामू SP चंदन सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित कर इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार माओवादी नक्सली नंद किशोर यादव एक दर्जन से अधिक बड़ी घटनाओं में वांछित रहा है और पुलिस की गिरफ्त से फरार था। माओवादी नक्सली नंद किशोर यादव के साथ उसका इलाज करने वाले देहाती डॉक्टर जगदीश यादव को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक लोडेड इंसान राइफल 15 जिंदा गोली बरामद किया है। मामले की पूरी जानकारी SP चंदन सिन्हा SP ऋषभ गर्ग ने दी और बताया कि गिरफ्तार माओवादी नक्सली नंद किशोर यादव 3 अप्रैल को चतरा के लावालोंग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शामिल था और इसी दौरान इसके पेट में गोली लगी थी और यह घायल हो गया था। इसके बाद नंद किशोर यादव पिपरा तांड थाना क्षेत्र के गिरी गाँव से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी गिरफ्तार नक्सली नंद किशोर यादव के इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा जा रहा है। लवालोंग जो थाना है उसके सीमावर्ती जो है जंगल है गिरी वहां से गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य बात है गिरफ्तारी बात बता दें, पहली बात की 3 अप्रैल को चतरा के लवालोंग क्षेत्र में एक इनकाउंटर हुआ था, उस मुठभेड़ में से गोली लगी थी। इसकी सूचना हम लोग को गोपनीय रूप से मिली थी और तब फिर थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा मेहनत करते हुए सूत्र को जोड़ते हुए अल्टीमेटली इसे गिरफ्तार किया। इसने स्वीकार किया कि वो उस मुठभेड़ में था और जो मुठभेड़ के बारे में इसने बताया कि ये लोग 2 टीम में थे, एक टीम मनोहर की थी और दूसरी टीम जिसमें ये गौतम पासवान और चार्लिस था, जिसमें ये टीम थी और इस टीम में अमर एक नाम बताया उसने जो संतरी ड्यूटी में था। कहा कि जैसे ही उसने पुलिस को एकाएक सामने देखा तो उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया, उसके बाद मुठभेड़ आरम्भ हो गया और इस मुठभेड़ के दौरान इसे गोली लगी थी और इस गोली लगने के बाद ये अपने राइफल को लेकर किसी तरह से वहां पर से भाग गया था। भागने के बाद इसका एक गोला छाप डॉक्टर ने इसका स्टिच किया, इलाज किया और भी अन्य सहायता पहुंचाई, वो आदमी गिरफ्तार हो गया है। कुल मिलाकर यह पुष्टि हुई कि उस दिन घटना में कौन कौन शामिल थे।